दुनिया में कई ऐसे योद्धा हुए हैं जिनका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक पहुंचने वाला वो शख्स अकेले ही 40,000 योद्धाओं के बराबर था। अपनी वीरता और सूझबूझ से कई लड़ाइयों में जीत हासिल करने वाला शख्स, 5 फुट 6 इंच के कद वाला एक ऐसा इंसान जिसका कहना था कि असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफों के शब्दकोश में पाया जाता है। अनजाने रास्तों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चमकाते हैं। शेर द्वारा संचालित भेड़ों की सेना भेड़ द्वारा संचालित शेरों की सेना से हमेशा जीतेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन अक्सर जोखिम से भरे काम किया करते थे और नेपोलियन ने अपने जीवन में बहुत से असंभव कामों को संभव करके दिखाया था। एक बार जब नेपोलियन को इटली पर फतेह हासिल करने के लिए आल्पस पहाड़ को पार करके जाना था, उन्होंने आल्पस पहाड़ को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। नेपोलियन बोनापार्ट के सिपाहियों ने आल्पस पहाड़ की ऊंचाई और उसके कठिन रास्तों के बारे में सुना था और सभी को यह ज्ञात था कि आल्पस पहाड़ जैसे गगनचुंबी पहाड़ पर चढ़ाई करना असंभव है। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई, फिर भी उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जब नेपोलियन युद्ध के लिए निकला तो उसको रास्ते में एक बुजुर्ग महिला मिली। उस बुजुर्ग महिला ने सैनिकों से आगे जाने का कारण पूछा तो सैनिकों ने बताया कि वे सभी अपने सेनानायक की आज्ञा से आल्पस पर्वत श्रेणी पर चढ़ाई करके आल्पस पर्वत को पार करने जा रहे हैं। बुजुर्ग महिला ने जैसे ही ये सुना वो नेपोलियन के पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। आज तक आल्पस पहाड़ को जिसने भी पार करने की कोशिश की है वो जिंदा नहीं बचा है। ये सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक और भी ज्यादा भयभीत हो गए, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इस बात से डरा नहीं। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से अपना कीमती हीरों का हार उतार कर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोला कि मुझे जोखिम भरे काम करना पसंद है, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया है और मुझे प्रेरित किया है। अगर मैं आल्पस पहाड़ को पार कर जिंदा बचा और लौट कर आया तो आप ये बात सबको जरूर बताना और मेरी जय जयकार करना। वो बुजुर्ग औरत नेपोलियन की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई और उसने नेपोलियन से कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। उसने नेपोलियन बोनापार्ट को आशीर्वाद भी दिया कि तुम जरूर आल्पस पहाड़ को पार करके अपने मकसद में कामयाब होंगे। लेकिन वहां दूसरी तरफ सैनिकों को कौन समझाता और उन लोगों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी सैनिकों को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या किसी ने आल्पस पहाड़ को पहले कभी देखा है। सभी सैनिकों ने कहा कि उन्होंने पहले आल्पस पहाड़ को नहीं देखा है। इस बात पर नेपोलियन बोनापार्ट ने सैनिकों से कहा कि तुम सब मेरे साथ आगे बढ़ो, जब आल्पस पहाड़ आएगा तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, फिर तुम लोग मुझे बता देना कि तुमको आगे बढ़ना है या नहीं। सैनिक नेपोलियन बोनापार्ट की इस बात को मान गए और उन लोगों ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। 3-4 दिन चलने के बाद सैनिकों को एक पहाड़ दिखाई दिया तो उन लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा कि क्या यही आल्पस पहाड़ है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि नहीं, ये वो पहाड़ नहीं है, ये तो एक छोटा सा पहाड़ है। इस पहाड़ को पार करने के बाद इससे करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा एक और पहाड़ आएगा, वही आल्पस पहाड़ है। ये सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट की सेना आगे बढ़ी। उस पहाड़ को पार करने के बाद सभी सैनिक और नेपोलियन बोनापार्ट एक बड़े से मैदान में पहुंचे जहां आगे सिर्फ मैदानी इलाका था। ये देखकर सैनिकों ने नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा कि आल्पस पहाड़ अभी कितनी दूर है।
ये सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट मुस्कुराया और बोला, किस आल्पस पहाड़ की बात कर रहे हो? आल्पस पहाड़ तो हम लोगों ने पार कर लिया है। ये सुनकर सैनिक आश्चर्य से भर गए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन लोगों ने इतनी आसानी से आल्पस पहाड़ को पार कर लिया। नेपोलियन बोनापार्ट की सूझबूझ भरे इस कदम ने उसके सैनिकों का हौसला और भी बुलंद कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट वो युद्ध भी नहीं हारा। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वो लोग कभी नहीं हारते। अगर कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन होता ही है। मंजिल चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपको रास्ते में आने वाली परेशानियों से हताश और निराश नहीं होना है, बल्कि परेशानियों को एक चुनौती के रूप में लें। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते हैं। उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह हैं, और कामयाब लोग वो होते हैं जो फूंक मारकर मलाई को अलग कर देते हैं और आराम से चाय का पान करते हैं।